नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं मुक्तेश्वर में और पिछली बार तो हमारी तबीयत खराब थी तो इसलिए हम ठीक हैं तो आ गए हैं इनके साथ। तो हम एक होम स्टे में रुके हैं, तो बताओ। बिल्कुल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर के बीच में है जो जगह रेडरवा कहलाती है, तो यही नेचर फील्ड नाम से होम स्टे है और हम बहुत समय से इसमें रुक रहे हैं। आगे काफ़ी कई महीनों से हम लगातार यहाँ रुक रहे हैं। बहुत ही अच्छा होम स्टे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनका बोर्ड भी लगा है और मैं इसकी लोकेशन बताना चाहूँगा। ये जब आप रामगढ़ मल्ला से आते हैं तो पहले तल्ला आएंगे, तल्ला से जब आप नथवा खान की तरफ चलेंगे तो लगभग नथवा खान से 2.5 किलोमीटर पहले पड़ेगा। बेसिकली ये जो आप सड़क देख रहे हैं मेरे सामने, ये भवाली से आ रही है, वो भवाली से ये जो है अल्मोड़ा जाती है। इधर से जब आप जाएंगे तो ऐसे ही ये जो है शीतला अल्मोड़ा जाती रोड ये, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लोकेशन है इसकी, बिल्कुल रोड पे है और पार्किंग का भी इशू नहीं, पार्किंग भी यहाँ इनके पास है और एकदम लगता है जैसे कि वाकई में जो उन्होंने नाम रखा है नेचर फील्ड, तो बिल्कुल नेचर ही आप इसे कह सकते हैं। खूब सारे बगीचे हैं यहाँ इनके पास, आड़ू है, पुलम है, एप्पल ट्री भी हैं। और चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं। और साथियों, यहाँ छोटा सा मार्केट भी है जो डेली ज़रूरत की चीज़ें भी यहाँ मिल जाती हैं। जब आप होम स्टे में रुकेंगे तो आपको ये सब सुविधा भी यहाँ है। चलिए अब आपको होम स्टे का टूर कराते हैं। बहुत ही सुंदर होम स्टे है, प्रकृति के बीच में आप देख सकते हैं खूब सारे पेड़ प्लांट लगे हैं यहाँ, छोटे बड़े। और हम लोग आ गए हैं अब यहाँ, देखिए उन्होंने लिखा हुआ अतिथि देवो भव भवा, बहुत ही सुंदर लाइन है रूम के अंदर। अभी आपका रूम का टूर कराते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जैसे रूम ये है, बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा रूम है, टीवी भी लगा है, और दूसरा रूम ये है, इसके साथ अटैच बाथरूम भी है। बेसिकली दो रूम के साथ ही बाथरूम है। और जैसे ही आप रूम से बाहर आते हैं तो बहुत ही सुंदर, देखिए आजकल आड़ू के पेड़ हैं, आड़ू लगभग तैयार हो गए और इधर उन्होंने नया ब्लॉक बनाया है, दो रूम इन्होंने इधर बनाए और जिसमें हम लोग अभी आपको टूर कराए हैं वो उनके पुराने रूम हैं। और कुछ कहेंगी चारू की मम्मी, बताइए भाई इधर आ जाओ आगे। बहुत अच्छा है और यहाँ पे बिल्कुल घर जैसा खाना हम लोग को मिलता है, तो ये लोग आपस में भी मतलब खूब हेल्प करते हैं एक दूसरे की, कोई खाना पकाता है, कोई उनकी खिलाता है, तो यहाँ पे फ्रूट्स के भी काफ़ी अच्छे मतलब बारे में बताइए। जैसे देहरादून में तो बहुत थोड़ी गर्मी पड़ गई थी, तो यहाँ पे बारिश भी हो गई है और बहुत ठंडा हो गया तो स्वेटर भी मिल गया। अर्जुन जी हैं हमारे जो संचालक हैं होम स्टे दी नेचर फील के, और मैं इनसे चाहूँगा कि बताएंगे हमारे दर्शकों को, सब्सक्राइबर को, जो लोग उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में आना चाहते हैं, नैनीताल, रामगढ़, शीतला, मुक्तेश्वर में घूमना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं चाहूँगा अर्जुन से पूछना कि हमारे दर्शकों के लिए बताएं इसकी लोकेशन, इवन रेट भी बताएं और अपने कितने रूम्स हैं इनके बारे में भी बताएं। तो अर्जुन जी बताइए अपने होम स्टे के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का दिन मंगलमय रहे। तो होम स्टे की जो बात हो रही है, अभी हमारे पास जस्ट दिख रहे हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड पर हमारे जो रूम है ये अभी हमने नए बना रखे हैं, और हमारे पास एक पुराना घर है जो आज से 100 साल पुराना, कम से कम 100 साल, कम से कम 100 साल पुराना, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है, उसमें भी हमारे रूम है। तो वहाँ है हमारे पास 3 रूम है जिसमें से एक तो परमानेंटली दे रखा हमने करीब 2 साल के लिए, और ये नए रूम है, एक हमारे पास ऊपर एक कॉटेज और है, और साथ में जो हमारे पास गॉड गिफ्ट बोलते हैं जिससे जो सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट मिला, तो हमारे पास जो है फलों की बागवानी है। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा इधर आपको पूरा फलों की बागवानी नजर आएगी। साल जब आएंगे आपको तब अलग अलग क्लाइमेट पे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फल मिलेंगे, और आपको जो हम लोग खाना खिलाएंगे, और ये पूरी हमारी खेती है, तो यहाँ आपको पूरा ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, हाँ आपको हम लोग जैविक खेती का खाना खिलाएंगे, और एक हिसाब से ऑर्गेनिक ही है क्योंकि जैसे अभी प्याज है, आलू है, टमाटर, मटर, ये सब हम लोग इसमें कोई दवा नहीं डालते हैं, केवल जो दवा होती है गोबर यानी कि जैविक खाद ही डालते हैं। मैं अर्जुन जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक तो लोकेशन बताएं होम स्टे की, और थोड़ा रेट के बारे में भी, और कैसे बुकिंग कर सकते हैं वो भी बताएं जरा। बिल्कुल, एक तो बुकिंग कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन हमारी काफी वेबसाइट है जैसे booking.com है, मेक माई ट्रिप, इनमें से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। नंबर दूसरी जी, मेरा डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे सर हम मेरा। और जो यहाँ के अगर मैं रेट की बात करूँ तो जो हमारे पास रूम की प्राइस शुरू है 500 रुपये से शुरू है और 1500 रुपये तक का। 500 रुपये से 1500 रुपये, जहाँ मतलब इस एरिया में मैं आपको बताना चाहूँगा,
ये कम से कम रूम 2,500-3,000 से कम नहीं मिलता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, 2,500-3,000 से कम नहीं मिलता। लोकेशन भी एक बार बता दीजिए कि जो लोग आना चाहें हल्द्वानी से। जी जी, हल्द्वानी से हमारा जो यहाँ होमस्टे की दूरी है वो है 60 किलोमीटर, नैनीताल जो प्रॉपर नैनीताल लेक है वहाँ से 32 किलोमीटर यहाँ पर दूरी है। और हल्द्वानी से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, शेयर टैक्सी मिल जाती है, बुकिंग टैक्सी मिल जाती है, और सेम नैनीताल से भी आपको यही चीज़, ये ट्रांसपोर्ट की मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। साथियों, ये थे अर्जुन जी, दी नेचर फील होम स्टे के संचालक हैं, ओनर कह सकते हैं ये, बल्कि मैं बताना चाहूँगा पिछले 10-12 सालों से ये चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अभी गवर्नमेंट ने जो अभी प्रमोट किया तो अभी चला रहे हैं। तो आप आइए इनके यहाँ, रुकिए और बिल्कुल प्रकृति के बीच में घर जैसा खाना, घर जैसा माहौल का आप इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने कम रेट में पूरे उत्तराखंड के, पूरी दुनिया में कोई कमरा नहीं मिलेगा। तो आप आइए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल दे देंगे, इनका मोबाइल नंबर भी होगा, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। जी जी, आज होम स्टे में हमारा दूसरा दिन है सुबह, हमने नाश्ते मंगाया है पोहा और आलू के पराठे मंगवाए हैं निक्की के लिए, और दही है साथ में और चटनी भी है साथ में। और साथियों, जैसा कि चारों की मम्मी बता रही हैं कि आज नाश्ते में पोहा है, परांठे हैं, और देखें मई का महीना चल रहा है और हम लोग रजाई में हैं, निक्कू रजाई में बैठी है, स्वेटर पहने, यहाँ बहुत ठंडा है साथियों रामगढ़ में। साथियों, निक्की भी आ गई है, निक्की अंदर थी और हंस रही है, निक्कू हमारी बड़ी खुश नज़र आ रही है। नीचे इतनी गर्मी है, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, और यहाँ हम लोग इस समय 18-20 टेम्परेचर है। और निक्की कुछ कहना चाहेगी, बताओ भाई कैसा लगा? अच्छा लगा। गुड। साथियों, ये था हमारा रामगढ़ का टूर जिसमें हम लोग रुके हैं आज, द नेचर फील होम स्टे में रुके हैं। मैंने आपको बताया था हम लोग अक्सर आके इसमें रुकते हैं, तो जैसा नाम है होम स्टे का, वाकई में वैसे ही आप आनंदित अपने आप को महसूस करते हैं प्रकृति के बीच में। और यहाँ का बहुत ही अच्छा खाना है, जैसे ये लोग अपने लिए किचन में बनाते हैं वही सर्व करते हैं, बहुत ही शुद्ध और ऑर्गेनिक कह सकते हैं। इनके अपने खेत के आलू जो हमें कल खिलाए गए थे, बीन्स भी, सब्जी जो है बीन्स भी, टमाटर भी, शिमला मिर्चें भी, और इवन मटर भी यहाँ उगाते हैं लोग, जो मटर होती हैं। तो कुछ कहेंगे चारों की मम्मी? तो दोस्तों, ज़रूर आइएगा अपने लिए टाइम निकाल के, और यहाँ के खाने का, प्रकृति का, सब चीज़ का आनंद उठाइए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घूमते रहें हमारे तरफ।